हाय गाइस, एक बार फिर से मैं सौरभ मौर्य आपका हमारे चैनल शुभम स्टडी एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो कि थर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का जो कि थर्ड चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, जिसमें जो जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो कि मैंने आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था, उसे पूरे जो कि थियोरी के साथ कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिया था, तो उस वह वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी जो कि लिंक है मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हो, ठीक है। और जो कि मैं इस चैप्टर में जो कि क्लास 12 में जो कि इस बार कटा हुआ जो सिलेबस यानी जो 30% जो कि कट गया इस चैप्टर से, मतलब कुछ पार्ट कटे हुए हैं, तो उनको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उनको जो कि सिंपली मैं जो कि हाइड कर दूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर हैं, मैं उनको भी आपको पढ़ा दूंगा और उसमें जो कटे हुए उनको भी निकाल दूंगा आराम से, ठीक है। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो लेकिन एक बार फिर से आपको कह दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो बिल्कुल कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, ठीक है। और उसके बाद अगर एक वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे शेयर कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज हो जाए कि ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है शुरू से, जो कि इस साइड मैं जो कि शुरू से आपको चैप्टर पूरा लिखित तरीके से बताऊंगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो ज़्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे वीडियो पर लिख चलता हूँ, सीधे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो वीडियो है, ये चैप्टर है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है या कुछ चीज़ें, तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको एक डिफिनेशन लिख के बताऊंगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, नंबर एक बात पहले बता देता हूँ, चैप्टर बेहद ही आसान चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ही कम हेडिंग पढ़नी है। ये चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर की अपेक्षा कम इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, मैं उन्हें आपको इस वीडियो में कवर भी करता चलूँगा, जो इम्पॉर्टेंट है मैं बताता रहता हूँ कि हाँ ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है। फिर थोड़ा दर्द है मुँह में, इस वजह से थोड़ा अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मैं पूरा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कि वैद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, वैद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत रसायन में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का विद्युत प्रवाह के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। इसका मतलब फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया इन सभी चीज़ों में जो कि आपको वैद्युत रसायन में आपको जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अभिक्रियाएं देखने को मिल जाती हैं, यानी कि इसमें इन दोनों कंबाइन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्सी अभिक्रिया। ये सारी जो कि अभिक्रिया दोनों जब होती है उसे रिडॉक्सी अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी ये दोनों अभिक्रियाएं जो कि ये दोनों अभिक्रियाएं आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसका वैद्युत सेल क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल वह निकाय उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हों, दो भिन्न भिन्न विलयों में रखे सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, आराम से आप यहाँ पर देखोगे और समझोगे भी। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, सेल जो होते हैं ये देखो, फॉर एग्जाम्पल या तो सेल को उस निकाय को कहेंगे जो एक ही विलयन में हो, फॉर एग्जाम्पल ये सेल ये है, ये एक ही विलयन में है, ठीक है, ये एक ही विलयन, या तो ये दोनों ही दो अलग अलग विलयन में हो सकते हैं, ये विलयन में कुछ भर दो भैया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा मैं आराम से नहीं बनाऊंगा ताकि आपका समय बचता रहे, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये दो अलग अलग विलयनों में जो कि इन्हें कंबाइन अगर कर दो, फिर अलग अलग कर दो या तार से जोड़ दो, उसमें जो करना है आप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब यही है कि दो अलग अलग विलयनों में जुड़ा हो या तो एक विलयन, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो पहले बात बता देता हूँ, ये जो सिंपली है इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड, या तो हम सिंपली इसे ऐसे कर दें, जैसे इसे ऐसे ले जाके इसे, तो इसे बैटरी से प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे जोड़ दे तो ये बैटरी हुआ, यानी ये वैद्युत रासायनिक सेल हो गया, ठीक है। या तो हम इन दोनों के बीच में बैटरी लगा दें, या तो इन्हें अलग ऐसे कर, दो अलग अलग विलयन तो उन्हें यहाँ पर ऐसे करके हम जोड़ दें, तो ये चीज़ जो कि विद्युत रासायनिक सेल, ये विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है,
एक कैथोड होगा, एक एनोड, ये कैथोड एनोड, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक। विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा गैल्वेनी सेल या वोल्ट मीटर सेल हम कह सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? किसी सेल में बाह्य स्रोत से जो ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जिस सेल में बाह्य स्रोत मतलब कोई बाहर से ऊर्जा दी जाए, कोई बाहर से एनर्जी दी जाए तो उसमें जो कि तो उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटन के विलयन, ये देखिए पूरा मैंने स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही मेहनत से बनाया है, ये एनोड है एक कैथोड, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वाले, यानी ये पॉजिटिव होगा एनोड और ये कैथोड, ठीक है। इसमें ZnCl2 का विलयन है, जिंक क्लोराइड का विलयन है, तो उसमें जो कि इसमें घोला गया तो इसमें जो कि विद्युत प्रवाहित किया गया, तो जो प्लस वाला होगा यानी ZnO होगा वो इस साइड भागेगा कैथोड पे, और जो माइनस वाला हो एनोड पे, ठीक है। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट के विलयनों को वैद्युत अपघटन द्वारा विद्युत अपघटित किया जाता है। ठीक है, किसी विद्युत अपघटन के विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आराम से, कि एनोड पर जो कि ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, जब कोई यानी क्या होता है, सिंपल सी डिफिनेशन होती है ऑक्सीकरण की, कोई जो कि या तो कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करे, या तो ऑक्सीजन ग्रहण करे, या तो जो कि ऋण आवेश ग्रहण करे, ठीक है, तो हमेशा एनोड पर जो कि ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि यहाँ Cl2 क्या है, निगेटिव है, तो ये किस साइड भागेगा, एनोड पे भागेगा, ये चीज जाएगी एनोड पे, ठीक है, तो क्या होगा, एनोड पर तो ऑक्सीकरण यानी ऋण आवेश को ग्रहण कर रहा है, तो उस पर क्या हो गया, एनोड, ठीक है, यानी वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, और ये कहलाएगा क्या, पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक। पदार्थ क्या होता है, अपचायक होता है, लेकिन क्रिया किसी और क्या हो रही है, ऑक्सीकरण, ठीक है, थोड़ा समझने वाली चीज है, आसान है, आप समझ जाएंगे, मुझे पता है समझ आए तो कमेंट करो, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, कैथोड क्या हुआ, तो इस पर जो कि कैथोड क्या होता है, अपचयन की क्रिया क्या होती है, सिंपल सी बात होती है कि जिस पर जो कि धन आवेश को ग्रहण करे, या तो हाइड्रोजन ग्रहण करे, या तो ऋण आवेश को त्यागे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, धन आवेश को ग्रहण कर रहा है, तो इस पे क्या होगा, अपचयन की क्रिया होगी, पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सी कारक, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जैसे देख लो आप, यहाँ पे लिखा हूं Zn2+2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, फिर ये ऑक्सीडेशन, तो ठीक है, जैसे मैंने सही एकदम बता दिया। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो कि यानी ऑक्सीकरण जो मैंने इस पे बताया, इस पे हो रहा है यानी एनोड पर हो रहा है, और यहाँ सॉरी आप यहाँ देख नहीं पा रहे, सॉरी यहाँ पर जो कि आप एनोड पर हो रहा है, और जो Zn है वो कैथोड पर हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और ये जो गैल्वेनी सेल है यानी वोल्टिया सेल है, मैंने तो इसे लिख दिया, ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो कि आपका ये सिलेबस से कट चुका है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम सीधे बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है सीधे फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। तो फ्रेंड्स ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम, फैराडे ने कितने सन 1833 में फैराडे ने वैद्युत अपघटन के कुछ दो नियम प्रस्तुत किए थे, ठीक है, ये दो नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अभी भी यार चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो बिल्कुल कर देना यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर इसे कर दो यार, ठीक है, और एक कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स और देखिए फ्रेंड्स इस पर केवल लिखित नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ना कि अनलिखित, मतलब ऐसे बोर्ड पे बता दो लेकिन बच्चों समझ नहीं, उसमें समझ तो जाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते कि भैया हम कैसे इस पर लिखें, कि बोर्ड में अगर मैं पूछ लिया गया तो भैया हम लिखेंगे, हमें तो आता है लेकिन लिखने में बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं इसे पूरा लिखित तरीके से बताऊंगा, ठीक है, लिख के दिखा रहा हूँ कि हाँ आप ऐसे ऐसे पेपर में लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटीड है, गारंटी देता हूँ, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब सीधे आपको नियम पे लिख चलता हूँ, ज्यादा यहाँ पे अभी आपके टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम क्या था, कि किसी विद्युत अपघट ने किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उस इलेक्ट्रोड पर या उस विद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के सीधे क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी मान लीजिए जो कि किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, पहले इसको पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा या विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी अनुक्रमानुपाती समानुपाती बात एक ही होता है, ठीक है।
तो क्या होगा, माना किसी इलेक्ट्रोड पर जो कि प्रवाहित निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W है तथा उसमें प्रवाहित मात्रा क्या है Q है, ठीक है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, W बराबर जेड क्यू, ठीक है। जहां क्या है, मैंने यहाँ पर देखिए दोबारा लिखा हुआ है कि आपको समझ जाओ कि W बराबर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, Q बराबर विद्युत अपघटन में प्रवाहित पदार्थ की मात्रा, यानी विद्युत अपघट में प्रवाहित पदार्थ की मात्रा, मतलब जो पदार्थ विद्युत प्रवाहित की गई, ठीक है। और जो बात आती है उसके बाद जेड यहाँ पर क्या है, जेड जो कि निक्षेपित पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ पर जो कि आप यहाँ पर जेड देख सकते हो, डब्ल्यू बराबर जेड क्यों, जो कि एक हमें कोई नियतांक लगाना पड़ता है जब हम बराबर लगाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके आगे बात आती है, यदि आई एम्पियर की विद्युत धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित करने से डब्ल्यू ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है तो पदार्थ की मात्रा क्यों बराबर आई टी। तो आप लोग फार्मूला पढ़े ही होंगे, क्यों बराबर जो कि फिजिक्स में आप पढ़े होते हो, क्यों बराबर आई टी, ठीक है, वही फार्मूला लिया गया है। तो जो उसके बाद का जो कि बात आती है फिर उसके बाद, तो विद्युत की मात्रा जो कि इतना हो गया, तो समीकरण एक हमने जो क्या था W बराबर जेड क्यों था, ये था ना W बराबर जेड क्यों, ठीक है, यही हमारा समीकरण था। तो समीकरण एक में हम क्यों इक्वल टू आई टी रख दिया, तो हमें यही प्राप्त हो गया डब्ल्यू बराबर जेड क्यों आई टी, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके जब यदि यदि उसमें जो कि आई बराबर एक एम्पियर तथा टी बराबर एक सेकेंड तथा क्यों बराबर एक कूलम, यदि जो कि इसमें एम्पियर, जब अगर मान लीजिए कोई विद्युत अपघटन है उसमें एक सेकेंड के लिए एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करते तो उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी कि एक गुरे एक बराबर एक क्यों बराबर कितना आ जाएगा एक कूलम, क्यों आवेश यानी क्यों का मान क्या आ जाएगा, क्यों का मात्रा क्या होता है कूलम, सिंपल यहाँ पर आपको लिख सकते हो, जैसे आप लिखना तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो, नहीं लिखो कोई टेंशन नहीं, नंबर मिल जाएगा, थोड़ा और आप बढ़ा के लिखना चाहते तो लिख सकते हो कि यदि विद्युत अपघटन में एक सेकंड में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है तब विद्युत अपघटन में विद्युत की मात्रा क्यू बराबर एक कूलम होगी, ठीक है। आप जो कि जेड की परिभाषा आप क्या दोगे, जेड जो कि क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है विद्युत अपघटन का, तो किसी पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड पदार्थ का वह मात्रा है, पदार्थ की वह मात्रा है जो एक कूलम विद्युत प्रवाहित होने से निक्षेपित होती है, ठीक है। जो एक कूलम पर कितनी विद्युत की मात्रा जो कि निक्षेपित हो रही है वही जो कि जेड का मान उस पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ का एक ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में कितनी ऊर्जा लगती है, 96,485, यानी इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 96,500, ज्यादातर यही लिखा जाता है 96,500 नियर अबाउट, ठीक है। कूलम विद्युत की आवश्यकता होती है जिसे हम एक फैराडे कहते हैं, एक फैराडे बराबर कितना हो जाएगा 96,485, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है नियर अबाउट, जो कि नियर अबाउट कैसे दिखाते हैं 96,500 कूलम प्रति ग्राम, ठीक है, ये आएगा कूलम प्रति ग्राम में। तो जेड बराबर फार्मूला होता है जेड बराबर ये अपन 96 ग्राम प्रति कूलम, इसको अपोजिट कर दिया गया, ये एक सूत्र होता है। फिर डब्ल्यू बराबर यही जो कि जेड का मान हमने यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू बराबर जेड का मान यहाँ पे जो कि यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो सिंपली ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड बस यहीं तक जो कि फैराडे का प्रथम नियम यहीं पर समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट नियम की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या था मैं पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में हल्का बता देता हूँ, फिर आगे लिख चलूंगा। विद्युत की समान मात्रा जो कि विद्युत की समान मात्रा दो भिन्न भिन्न विलयनों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का जो पदार्थ की मात्रा जो कि उसमें निक्षेपित होती है उसका तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो पहले उसमें चलते हैं फिर वहां पर आपको दिखाता हूं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो, देख लीजिए आप, फैराडे का जो द्वितीय नियम है, विद्युत की समान मात्रा भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राओं के तुल्यांक भार के समानुपाती होती है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी जहाँ पर W क्या है आप लोग मन में दोहराते रहो ताकि आपको रिवाइव बता, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा और E क्या है तुल्यांक की भार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने K जो कि एक जो कि W जो कि यहाँ बराबर मैंने हटाया, तो यहाँ K जो कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जो कि हम इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो K आर इक्वल तो हम निकाल सकते हैं W अपान E, ठीक है। यदि श्रेणी क्रम में दो जुड़े हुए दो श्रेणी क्रम, यानी आप लोग श्रेणी क्रम तो पढ़े होंगे, श्रेणी और समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम के क्रम वाइज होता है। जैसे कोई विलयन अगर हम मान लो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमने विलयन लिया, एक और लिया, श्रेणी क्रम क्या होगा, ये एक सिरा है, ये मान लो एक इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है यानी
कैथोड है और ये माइनस, ठीक है, मैं यहाँ बगल में बस थोड़ा सा लिखूंगा माइनस प्लस, ठीक है, ये भी प्लस और ये भी माइनस, ठीक है। तो श्रेणी क्रम क्या होगा, इसके इस पार्ट को जो कि माइनस वाले यहाँ जोड़ देंगे, फिर इसको यहाँ जोड़, फिर इस दोनों पार्ट को ला के एक दूसरे किसी बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है, बस तब ये श्रेणी क्रम होगा। अब समांतर क्रम क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में हल्का बता दूंगा, ये एक विलियन, दो विलियन एंड थ्री विलियन, ठीक है, यहाँ पे विलियन है, आप यहाँ पे कुछ भरना चाहो भर लो, कोई टेंशन नहीं, उससे नहीं मतलब है, आप समझ रहे हो, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा एकदम डिटेल से नहीं बता रहा हूँ कि आप एकदम मतलब पूरा डिटेल से एकदम फिगर अच्छे से बनाओ फिर आपको समझे, लेकिन आपको सब समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये लिखना तो नहीं है उसमें कोई टेंशन, बस समझ में तो थोड़ी बहुत बात आए कि हाँ भैया मुझे आ रहा है ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, मैं सब बोलते रहो प्लस माइनस, ठीक है। अब समांतर क्रम क्या होगा, इसके सिरे को हम लें, ठीक है, इसके तार को ऐसे लें और इसके सिरे को कैसे जोड़ दें, इन तीनों को एक साथ जोड़ दें, फिर जो चौथा है इसको लें, फिर इसको, ये देखो ऐसे करने समझ रहे हो, ये तार ऊपर से गया इसके, ठीक है, फिर ये ले, फिर ये ले, यहाँ से ये देखो, फिर इन दोनों तार को मान लो थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर इन दोनों को हम क्या कर दें किसी सेल से जोड़ दें, ठीक है। अब ये चीज जो कि हुई मतलब ये तार थोड़ा इधर उधर मिल गया, लेकिन समझ लो सभी धन वाले को जो कि ये सिंपल इधर से देखो ये वाला सॉरी ये माइनस वाले प्रत्येक माइनस वाले को इधर से जोड़ दिया जाए और सभी प्लस वाले मान लो सभी प्लस जो कि आ रहे हैं एक साथ यहां पर आके एक बैटरी से हमने जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है, ये समांतर क्रम हो गया, ठीक है। तो अगर यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो भिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में से एक के साथ क्यू कूलम विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं क्रमशः जो कि W1 W2 तो अब सिंपल यहाँ पर कैसे आए ये भी मैं आपको पहले करके दिया, W1 अपन W2 आर इक्वल टू E1 अपन E2। तो क्या होगा अगर दो विलयन होंगे तो W बराबर फार्मूला क्या था KE, तो दो विलयन होंगे तो सिंपली क्या होगा W1 W2 E2 E1 फिर एक और क्या हो जाएगा W2 बराबर के, ये बदलेगा नहीं K1 K2 ने, ये तो नियतांक है ये सेम रहेगा E1 E2, फिर दोनों को हम भाग कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा W1 अपान W2 K से K कैंसिल यानी E1 अपान क्या आ जाएगा E2, बस ये आ गया आपका फार्मूला, सिंपल है, टफ नहीं है, सिंपल है तो कमेंट करो हाँ सिंपल है, ठीक है। तो ये जो कि दोनों नियम हो गए। तो इसके बाद का जो टॉपिक था फ्रेंड्स वह है संचारण, लेकिन जो कि इस समय जो कि वक्त कट चुका है, तो हम सीधे नेक्स्ट जो कि ये बात नेक्स्ट जो कि हम हेडिंग पे चलते हैं विद्युत अपघटनों के विलयनों का चालकता, विलयनों की यहाँ पर होगा चालकता, ठीक है। तो सिंपल ओम के नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं वी बराबर आई आर या आई बराबर वी अपान आर, आर बराबर वी अपान आई। तो इसका जो सूत्र क्या होता है पहले बार किसी सुचालक के विभव तथा उसमें बहने वाली धाराओं का अनुपात सुचालक के प्रतिरोध में निम्न संबंध है, ये सिंपल नहीं है डिफिनेशन में आपको यहाँ पर आपको जो कि एक डिफिनेशन में आपको यहाँ पर सिंपल आप दूंगा किसी विद्युत अपघटन में उत्पन्न विभव वी तथा इसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिखो कोई टेंशन नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन एक करेक्ट डिफिनेशन ये भी है कि किसी सुचालक के विभव V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात उस एक नियतांक होता है। एक नियतांक क्या होता है प्रतिरोध यानी R होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है किसी विद्युत अपघटन विलयन में उसके घोल द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिसे हम धारा के देखो एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन किसी विद्युत अपघटन विलयन में धारा के मार्ग में उत्पन्न उसके घोल द्वारा उत्पन्न धारा के मार्ग में अवरोध क्या कहलाता है उसका प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है किसी विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करने विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध उस विलयन का प्रतिरोध इसे ओमेगा यहाँ पर मैंने लिखा है ओमेगा लेकिन इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आपको बस ये जानना है पेपर नहीं लिखना कि ओमेगा लिखेंगे हम सिंपल ये लिख देना ऐसे ब्रेकर में इसे प्रदर्शित करते हैं ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है ओम या आप इसका एक और मात्रक लिख सकते हो इसका मात्रक या आप यहाँ पर एक और लिख सकते हो यानी वोल्ट प्रति एम्पीयर ठीक है सिंपल है।
विद्युत अपघटन द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह उसके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता को उनके चालकत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। चालकत्व जी बराबर क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, यानी सिंपल सी डिफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत अपघटन की चालकता कहते हैं, सॉरी चालकत्व कहते हैं। चालकता चालकत्व एक ही लगभग होता है, सेम होते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति वोल्ट, यानी वन अपान है तो एम्पियर ऊपर चल जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट, ठीक है। या ओम इनवर्स महो, महो इसका एक मात्रक होता है, ये महो महो बराबर होता है वन अपान ओम, यानी यहाँ पर एक सिंपल सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, महो बराबर वन अपान ओम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि महो में इनवर्स लगना चाहिए जो कि इसका मात्रक है, लेकिन नहीं, महो जो कि वन अपान एम के बराबर होता है, और सीमेंस भी, सीमेंस जो कि महो के बराबर होता है, ठीक है। अब प्रतिरोध, ये तो मैंने आपको बताया, किसी समान चालक का प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती तथा उसमें परिचय क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह सूत्र रो बराबर आर ए अपान यल, यानी आर बराबर रो यल अपान ए, ठीक है। ये सूत्र आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन यल अपान ए, जो कि क्षेत्रफल है, प्रति क्षेत्रफल के अपान में तो लगेगा, फिर रो यहाँ पर एक जो कि विशिष्ट चालक विशिष्ट प्रतिरोध है, तो सिंपल है, आप ये कर ले जाओगे, ए सुचालक का प्रतिरोध, यह लंबाई है तार की, ये यदि यल बराबर एक सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो कि एक हो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो के, रो यानी विशिष्ट क्षेत्रफल, यहाँ पर रो लिखा है आपको समझने के लिए, ठीक है, आपको लिखना है बस इसे समझना, रो ऐसे बनता है, यहाँ पर थोड़ा क्लियर ऐसे, ये चीज़ बस आगे नहीं भागेगी, बस इतना होता है, यानी ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध यही यही विशिष्ट प्रतिरोध है, वही सेम है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग है। प्रतिरोध जो आर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, यानी हम प्रतिरोध क्या, किसी चालक तार की लंबाई यल तथा उसका अनुपरिचित क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए, चालक का प्रतिरोध आर, उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों सेम चीजें हैं, रो बराबर आर ए अपान यल, ठीक है, उसका मात्रक होता है ओम सेमी, ओम आर का ओम और ए का सेमी स्क्वायर अपान सेमी, ठीक है, सेमी सेमी कैंसिल, आप मीटर में नहीं लोगे, मीटर में भी ले सकते हो, वो फिजिक्स में है, लेकिन एक केमिस्ट्री है तो इसमें सेमी ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबाई, बहुत लंबी लंबाइयाँ नहीं होती है, तो फिजिक्स में तो किलोमीटर में भी चली जाती है, लेकिन इसमें लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम याद कर लो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व, बस सिंपल है, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम के से यानी कापा से प्रदर्शित करते, के यानी कापा, हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ों मैंने आपको लिख के दिखा दिया। आर बराबर रो अपान एल होता है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, वन अपान आर, सबको कर दो वन अपान में, सबको एक भाग कर दो, सिंपल, यानी आपको हल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए आर बराबर रो यल अपान ए है, ठीक है, ए का इंटू इधर कर दो और यल अपान नीचे कर दो, तो सिंपल आपको क्या आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा आर ए अपान यल, ठीक है, क्लियर है। तो विशिष्ट एक वन अपान आर बराबर चालक है, तो और वन अपान रो बराबर विशिष्ट चालक हो, ठीक है, क्लियर है ना। तो जी बराबर, ये सूत्र जी बराबर के इंटू ए अपान यल, ये कैसे आया आप भी पूछना चाहोगे, तो आप तो ये सूत्र कैसे आया आप लोग सोच रहे होंगे, तो सिंपल मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम करके दिखाते हैं, तो आर बराबर क्या था हमें, रो यल अपान ए, ठीक है, ए सूत्र सॉरी आर ए अपान यल होता, तो रो बराबर ए सूत्र था आर ए, ठीक है, ए सूत्र हुआ, तो सबको एक बटे कर दो, भाग कर दो, इसी को अपोजिट कर दो, यानी वन अपान कर दो, ठीक है, इसे भाग करोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाग कर दो, तो ये हो जाएगा वन अपान आर, आर इक्वल टू वन अपान रो, ठीक है, इनटू ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ए अपान यल, ये फार्मूला सी, ठीक है। तो वन अपान ए क्या होता है, चालकत्व यानी जी, और रो क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व यानी के, और ए अपान यल, सिंपल है फार्मूला, क्लियर है, आसान है ना, थैंक यू। फिर विशिष्ट चालकत्व के आर इक्वल टू जी इंटू ए आर जे, यही चीज ऊपर, ये इधर चल गया, सिंपल आ गया, बहुत आसान है, कोई खास चीजें सारी चीजें आप समझ सकते हो, मुझे बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप ये चीजें बिना मेरे बताए हुए आप समझ जाओगे, ये गारंटीड मेरा,
ठीक है, बीसी चालक होता है, ये सारी चीजें अभी फॉर्मूले मैंने बस यही चीज। सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक होता है कि किसी चालक की लंबाई यल अपान तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। तो आगे बताऊंगा ये सारी चीजें जो कि आप पढ़ने के लिए एक एक सेंटीमीटर रख दो, आप पढ़ सकते हो, कुछ खास नहीं है आप इसे, लेकिन फेयर में नोट कर लेना है। फेयर एक तरह से बनाते ही रहो, आपके बहुत काम आएगा आगे। मेरा काम तो कहना भैया मैं तो बोलूंगा, आप लोग बनाओ या ना बनाओ मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन भैया मैं प्लीज कहूंगा आप लोग फेयर बनाते रहना यार, आप लोग को बहुत हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आ गया विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है? हाँ भैया विशिष्ट चालकत्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, हाँ आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा ये ज्यादा पूछा, एक नंबर का क्वेश्चन लगभग नोट करके रख ही लो कि ये पूछा जाता है। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व का मात्रक, तो विशिष्ट चालकत्व सिंपल क्या होता है? 1/ρ के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है भैया, मैं पढ़ाया हूँ, क्लियर है, आसान है, आप निकाल लोगे खुद ही। इसका मात्रक क्या होता है? ओम सेमी भी याद नहीं है, कोई टेंशन नहीं भैया, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, नहीं याद है हमें, सीधे बोलो हमें कुछ याद ही नहीं है, बस हमें इतना याद है कि हमें 1/ ये इसका फार्मूला होता है, और हम कुछ और भी जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है? RA/L। बस भैया हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, सिंपल है ये फार्मूला है, तो रो बराबर यहाँ पटको नहीं यार, सीधे लाओ और रखो, रो बराबर क्या हो गया? RA/L। तो सिंपली आपको करना क्या है? सिंपल है, रो बराबर RA/L यहाँ पे रखो, के बराबर 1/RA/L, तो ये क्या हो जाएगा? L/RA। बस अब में कुछ नहीं करना, सिंपल सबका मात्र रखो, इसका सेमी, इसका ओम ऐसे रख दो, सेमी स्क्वायर, एक सेमी से एक सेमी कैंसिल, यानी क्या आ गया? ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स, ये ऊपर चल गया, ये भी ऊपर चल गया, सिंपल भैया, अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आया कहाँ से ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, कुछ नहीं याद करना, बस फार्मूला याद रखो, सब आएगा, सिंपल है, जीनियस माइंड है आप लोग का मुझे पता है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप निकालोगे। ठीक है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, या फिर और क्या कर सकते हैं इसे, ये क्या है? सीमेंस है ना, आई थिंक ये सीमेंस है। ठीक है, ये तो क्या होता है? सीमेंस होना पर रोक अनुक्रमण से सीमेंस सेमी इनवर्स, ये ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर आपको ये दे देगा, या फिर या मैं लिखता हूँ, अगर ऐसे करूंगा तो लोगों को मतलब किसी आप लोग को लग जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पर प्रति लग गया है, लेकिन नहीं, तो सीमेंस हो गया, महो लिख दो, महो लिख सकते हो, महो सेमी इनवर्स, ठीक है, हो गया, क्लियर है, महो तो 1/ρ के अनुक्रमानुपाती है, मैंने बताया है। ठीक है, अब सेल स्ट्रेंथ की डिफिनेशन एक बार देख लो, फिर से मैंने आपको ये बताई तो थी आप लोग को, तो किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उसके क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात सेल का स्थिरांक कहलाता है। बहुत सिंपल है, इस सेल का स्थिरांक x से प्रदर्शित करते हैं, L/A होता है। ठीक है, क्लियर है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेमी, इसका भी सेमी, हमें याद नहीं करना कि मात्रक चले, अब याद करने इतना हमारे पास समय नहीं है कि याद करें। ठीक है, सिंपल है, एक सेमी कैंसिल, ऊपर चला गया सेमी इनवर्स, आ गया आप मात्रक तैयार। तो नेक्स्ट जो कि टॉपिक आता है हमारा, तुल्यांकी चालकता। तो फ्रेंड्स आई थिंक जो कि ये मैं सोच रहा हूँ कि ये हेरिंग जो कि कल के लिखो, वीडियो ज़्यादा लंबा मुझे नहीं करना है, ज़्यादा वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपको भी बोरियत महसूस होगी, क्या पढ़ा रहा है, कितने देर से पढ़ा रहा है, मुझे बिल्कुल बोरियत आपको नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, वीडियो बहुत ही मैंने आनंददायक जो कि बनाने की कोशिश की थी, हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादातर हिंदी भी बोल लेता हूँ, मतलब हिंदी का नॉलेज अच्छा खासा भी रखता हूँ। तो और जो कि फ्रेंड्स जो बात कर रहा था कि आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त कर देता हूँ, या वीडियो ज़्यादा लंबा मत रखो, आराम से छोटे छोटे पार्ट में पढ़ो, पार्ट तीन तक जाएगा, तीन ही पार्ट तक मेरे ख्याल से ये वीडियो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप इसे समझ सकते हो, और यह वीडियो अगर थोड़ी से भी अच्छी लगे या इसे लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, या खराब ही करो कोई टेंशन नहीं, जैसा आपको लगा वैसा करो। ठीक है, और उसके बाद यार प्लीज़ चैनल पर नए यार सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ भैया, कह रहा फ्री है यार, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपये नहीं लगता कि भैया, ये बगल में जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करो उसे क्लिक करो, ग्रे कलर का होगा बेल, फिर बेल आया उस पर क्लिक करो, बस ऑल पे क्लिक कर दो, सिंपल है यार, कर दो भैया, फ्री है, एक रुपये नहीं लगेगा कि हाँ भैया पैसा लग रहा है हमें करना है, नहीं यार बस फ्री है, बस क्लिक कर दो यार, और क्या, एक लाइक पे क्लिक कर दो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, एक रुपये नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज भी उपलब्ध है फ्रेंड्स, आप उन्हें देख सकते हो,
और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं और भी क्लासेज आपकी शुरू करूंगा, यानी जियोग्राफी की क्लासेज, बायो की क्लासेज भी आपको चलाऊंगा और मैथ की क्लासेज भी मैं चलाता रहता हूं। मैथ में भी मैंने जो कि थर्ड चैप्टर जो सॉरी फोर्थ चैप्टर गलती आगमन का सिद्धांत जो कि पढ़ा दिया, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर जो भी क्लास 12 में जो कि मैथ से है तो वह उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।